इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर इंसान का जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है वो उसने क्या कपड़े पहने हैं, बिकॉज जब दूर से कोई हमारे पास चल के आता है तो हम पहले उनके कपड़े देखते हैं मेरे ख्याल से, और क्या अटायर पहना है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उनके कपड़ों के ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो मेरे लिए स्टाइल इज वेरी इम्पोर्टेंट और हर एक को स्टाइलिश होना चाहिए, बट स्टाइल मीन्स महंगे कपड़े पहनना, इट मीन्स नॉट स्टाइल, कि आपके किरदार को मतलब या अपने आप को कौन से कपड़ों में आप कंफर्टेबल पाते हैं, दैट वॉट इज स्टाइल, और आप अपने कपड़े कितने अच्छी तरीके से कैरी करते हो, दैट इज दैट वॉट इज स्टाइल। तो मेरे लिए स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो हर एक को स्टाइल तो होना ही चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए। मैं बिल्कुल सेट पर भी जब भी फिल्मों की कोरियोग्राफी करता हूँ तो बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनता हूँ, बिकॉज आई लाइक कलर्स, और कलर्स मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, और मुझे बहुत एक बोलता है ना एक लाइवली एटमोसफियर क्रिएट होता है जब हम कोई भी कलर्स को देखते हैं। तो मैं ऑलवेज जब भी कोरियोग्राफी के लिए, शूटिंग के लिए जाता हूँ तो बहुत कलरफुल कपड़े पहनता हूँ। महाराष्ट्र मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड शुरू होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हर साल अभी हर एक एक्टर्स हो या टेक्नीशियंस हो या कोई भी हो, मेरे ख्याल से स्टाइल स्टेटमेंट डेफिनेटली शुरू करेंगे, और ये कॉम्पिटिशन दिन ब दिन बहुत ही टफ होती जाएगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने अर्ली ईयर्स में सुना था कि स्टाइल जो है वो इनबॉर्न होता है, आपके अंदर होता है। मेरा ये मानना है कि स्टाइल कैन बी एक्वायर्ड, स्टाइल कैन बी एक्सटेंचुएटेड, स्टाइल कैन बी समथिंग इफ यू हैव इंटरेस्ट इन एंड इफ यू हैव दी ट्रेड्स यू कैन एनहेंस इट। बात समझ में आई? तो नहीं तो पहले सुनते थे हम कि अरे ये तो पैदाइशी स्टाइलिश है। मेरे हिसाब से गलत बात है। अगर आपका स्टाइल में इंटरेस्ट है, स्टाइल का सिर्फ मतलब ये नहीं ट्रेंडी कपड़े पहनना, स्टाइल का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप यू नो जो रीसेंट नई चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ एक्सेसरीज, वेदर इट इज़ क्लोथ, हेयर स्टाइल, स्टाइल इज अ कम्प्लीट पर्सोना, यू नो आपका कंप्लीट पर्सनैलिटी से जो स्टाइल रिफ्लेक्ट होता है वो ज़बरदस्त होता है। कोई शक गुलशन ग्रोवा, आप में से कोई डिबेट कर सकता है इस बात को? ओए चश्मिश नहीं ना, नो आई एम सेइंग
You know, like if you look at actress, for so many years, Rekha ji has been a truly icon of style. Rekha ji has been, you know, like has evolved over the years, you know. And Rekha ji has set an example that how, if you want, if you work on it, your complete persona can change and your style can, you know, become more and more fantastic and appealing. Gulshan Grover. कोई शक कोई डिबेट करना चाहता है इस बात को मेरे आदमी पीछे खड़े हैं आप मैंने अभी अभी शूटिंग खत्म की है पिक्चर का नाम है बहन होगी तेरी पिक्चर में है राजकुमार राव श्रुति हासन और मैं पिक्चर की पूरी शूटिंग अभी हाल ही में कंप्लीट हुई है एक आइटम सॉन्ग बाकी है उसके ख़त्म होने के बाद ये मूछे मैं काट दूंगा उसी फिल्म के लिए बनाई हुई है एंड उसके साथ साथ जैसे आप सभी जानते हैं कि मेरी फिल्म बैड मैन जो कि वायाकॉम 18 ने बनाई है जिसमें कि मैं हीरो हूँ वो फिल्म भी बहुत जल्दी प्रदर्शित के लिए तैयार प्रदर्शन के लिए तैयार थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू गुलशन जी थोड़ा टर्न कीजिए इधर इधर सर हाँ भाई वो काम का नहीं है वो बोला सर इधर टर्न लीजिए सर राइट में सर सर इधर सही इधर आइए ना क्या बैठ गए इसको क्या प्रश्न है एनी क्वेश्चन सर व्हाट इज योर आईडिया ऑफ स्टाइल स्टाइल देखिए जब प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं जो करें स्टाइल हो जाता है प्रसिद्ध पेंटर हुसैन साहब नंगे पांव चलते थे बिना जूते के वो स्टाइल हो गया अपने करियर के शीर्ष पर राजेश खन्ना साहब उनकी तोंद निकलने लगी बाहर निकलती तोंद को छिपाने के लिए पैंट के ऊपर कुर्ता पहनने लगे गुरु कुर्ता वो स्टाइल हो गया तो पुरुष का पौरुष और सफलता ही उसका स्टाइल है वो कहते हैं ना कि जरदार मर्द नाहर चाहे घर रहे चाहे बाहर बेजोर मर्द बिल्ली चाहे घर रहे चाहे दिल्ली Well, that's a tricky one. I don't know. I think you should wear an attitude, and style for me is my attitude and the kind of mood that I'm in. There are so many. Swapnil Shinde is a very, very close and great friend, so I owe it to him a lot.
and I love Sabyasachi. I haven't worn him yet, but there are so many and there are so talented designers. And I'm very happy that someone is paying attention to, especially when it comes to Marathi fraternity, somebody is paying attention to the kind of efforts the actors and actresses have been taking on their costumes and the whole appearance. So I'm really glad to be here. Oh, one lady is right behind me. She's Amrita, and I love Sona. I think she's the benchmark, obviously. And I love the way Kangana also dresses up. Yeah, and then there's me, which I think I sometimes get it right. Sometimes. I think Shreyas dresses up really well, and Ritesh dresses up really well. So, yeah. Hi. Sorry, darling. Okay, style statement is something that it has really got nothing to do with the kind of fashion that comes in and goes out. I think style is more personal. It is your confidence. It is how you carry an outfit. It might be a normal pair of denims. It might be a white shirt, but it completely is what you represent as a human being and what you really are as an actor. And style is more to do with your personal stuff. Oh, I just wore this beautiful Nachiket Barve outfit at the Filmfare Awards, and it was breathtakingly beautiful. But for me, if you have to ask me, I think Gaurav Gupta, I feel, is very, very classy and edgy. Nikhil Thampi is one, and Sabyasachi is like, you know, every girl's dream is to, I think, get wedded in a Sabyasachi outfit. Yeah. Thank you. Thank you.
भाई कितना एडजस्ट करो, एकदम सर तेरा आ रहा है पीछे, आ गए ना अभी, हां तो अभी आ रहा है। सर इधर सर, सर इधर सर, सर इधर सर, सर सामने इधर सर, सर लुक साइड आओ, सर सोलो, सर सोलो, सर सोलो, क्या यस सर मित्र चाहिए, मित्र चाहिए, झालं का साईडला बाबा, साईडला सेंटर, सेंटर टनाव दादा, इथे दादा चार चांद लगाने आप लोकमत महाराष्ट्र।
इधर सर, इधर सर, सर यहां पर जो सर जनरल आपके लेफ्ट साइड सर, इधर सर जितू सर थोड़ा यहां पे सर मैम इधर इधर यहां साइड ला मैडम मैं खुद को बिल्कुल स्टाइलिश नहीं मानता क्योंकि जो सामने दिखता है वही पहन के मैं आता हूँ, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ कपड़ों में नहीं तो अपने स्वभाव में स्टाइल होना ज़रूरी होता है। और क्योंकि आज ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है और सारे चुनाव लगे हुए हैं तो आज थोड़ा ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम को आके थोड़ी मज़ा आ रही है। मुझे लगता है मेरे दादाजी हिंदुत्व सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उनकी स्टाइल जो थी एक अलग स्टाइल थी, फिर वो काम करने की हो या जिस उनके रहन सहन था वो एक इंस्पिरेशनल स्टाइल थी। थैंक यू। Platform for that, you know, what has happened, it is very deplorable, but jo hua bura hua lekin ye platform nahi hai. Pain ka answer hai, pressing bell is the best revenge. Pain, no better revenge can happen than pressing bell. Yeah, thank you so much Pain for being with us. Thank you. Yes, sir. Perfect.
स्टाइल मेरे लिए कंफर्ट है, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हु इज द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर इन द वर्ल्ड या इंडिया में? अपनी इंडस्ट्री में हु इज द बेस्ट डिजाइनर? सब अच्छे हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ अमित जी, सो आई थिंक अमिताभ बच्चन बहुत स्टाइलिश है। उनके जो अंदाज है, जिसे वो कपड़े पहनते हैं, तो वही कैरीज इट, मुझे अमिताभ बच्चन बहुत स्टाइलिश लगते हैं। एक्चुअली मुझे सब अच्छे लगते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर 50 डेज, सो आई मिस मोस्ट ऑफ इट। सो आई हैवन, आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस, बट मुझे मौका नहीं मिला इस सीजन को देखने के लिए, तो आई कांट कमेंट मच। हाँ जी, सी ये मुझे नहीं पता सेलिब्रिटी, मैं भी आम आदमी हूँ, मेरा काम है एक्टिंग करने के लिए, सो आई डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आई थिंक दिस इज जस्ट द मीडिया स्क्रीन, दिस डिफरेंस, हम सब आम आदमी है, आई डोंट थिंक इज अ बिग थिंग। आई थिंक द बेस्ट पर्सन वन वो मेन है। हाँ जी, अच्छा ये चीज़ मुझे पता नहीं, मैं लोकपाल के लिए हूँ, तो आप प्लीज़ उस पर सवाल पूछो। मैं आपसे शादी करूंगा। बजट से क्या उम्मीद रखता हो? कि इंटरेस्ट रेट्स वो नीचे करें, इंटरेस्ट रेट्स, ये बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं देखिए, स्टाइल का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं माना जाता, मैं समझता हूँ स्टाइल क्या अंदाज होता है ना, किस अंदाज में आप बात करते हो, किस अंदाज से आप चलते हो। अब देखिए, पुराने जमाने में हमारे जो अपने फादर के ज़माने जो एक्टर्स थे, दिलीप साहब का एक स्टाइल था, राज कपूर साहब का एक स्टाइल था, देवानंद साहब का एक स्टाइल था, वो एक अंदाज था, तो वो भी तो स्टाइल है। कपड़ों से सिर्फ स्टाइल नहीं होता, अपने आप को जैसे आप प्रोजेक्ट करते हो वो एक स्टाइल होता है, तो मेरा मानना ये है।
ऋषि कपूर का अंदाज और किसी और का अंदाज नहीं। थैंक यू। Being comfortable in your skin, being confident, sorry, Ithe. Style for me is being confident in your skin, being comfortable with however you look. Yeah. Well, there are a couple of designers whom I like, and in fact I think there are a lot of new designers who are very, very interesting, who are doing amazing work. I think I've been Amit Agarwal. I'm wearing a Payal Khanwala. I love what she does. I love Anna Villa, Manish Malhotra, Abu Sandeep, Sabya Sachi. Lovely. I think we have some really, really talented designers in the country. The best actor in style is, of course, Mr. Bachchan. I mean, I don't know how he's flawless every time in whatever he wears. He's just amazing. And I think in all these years, he still for me is the most stylish. And where an act, female actor, I think it's me. What do you say? Any upcoming projects from me? Right now, I don't know. I think in March I finished my last show, so it's been a gap. I want to take some time out because I think last 2 years I've been working non-stop. I think it's time for a small break before I come back. More than stylish banane ke alawa wazan ka dhyan isliye rakhti hu kyunki mujhe main fit rehna chahti hu aur main chahti hu ki meri energy level utni ho jitne mere bete ki hai, so I want to be fit. I think main stylish awards ke liye aayi hu to main style ke bare mein baat karungi. Yes ma'am, thank you. I think style statement is, I would say 50% of what you are and 50% of what you project. I think a combination of that is, for me, that is style. Well, there are many. I can't name one. I think all stars, all actors, they are by default stylish. I think it's because they're stylish that they become stars. So I would say that I can't single out any names. I think all of them have their own style. I've not yet decided what I want to do next, but it's soon, in another 4 weeks, I'll be able to share some information. नहीं, बहुत मैं कहूँगा कि एक अलग अवार्ड है ये. डेफिनेटली एक अवेयरनेस क्रिएट करता है. एंड जब स्टाइल हम कहते हैं तो मुझे हमेशा लगा है कि जो 50% आप खुद हैं और 50% आप प्रोजेक्ट जो करते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इज स्टाइल.
So it's a nice awareness that is being created. और मुझे हमेशा लगता था कि मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ नहीं पहनता हूँ, क्या मेरे में स्टाइल है नहीं है, ये मैं हमेशा सोचता था. आज इन्होंने ये ऑनर दिया है स्टाइलिश अवार्ड का, तो लगता है मैं जो करता था वो सही करता था. सो आई एम वेरी हैप्पी. बस खुशी की बात है, जो हमने इतनी मेहनत से इतनी पैशन से पिक्चर बनाई है और लोगों ने उसे अपने पलकों में बिठाया है, उनका प्यार, उनकी खुशी देखकर हमें बहुत खुशी होती है और हमें इस खुशी से हमें ताकत मिलती है कि हमें और भी बेहतर पिक्चर बनाए इसी किस्म की और आगे बढ़े इंडस्ट्री को लेके अच्छी अच्छी पिक्चरों के साथ. और मैं बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है. इतना प्यार मुझे याद है कि जब मैंने कहो ना प्यार है बनाई थी उस वक्त भी इतना ही प्यार मिला था जितना कि आज मिल रहा है काबिल के लिए. थैंक यू. हाँ, बहुत अच्छी बात है. सारा जमाना सिनेमा का दीवाना, सारा जमाना सिनेमे का दीवाना. ये देखिए, ये सब मैं किसी फंक्शन में आया हूँ. अगर आपको ये सब बातें करनी तो ऑफिस में आइए, तो मैं बहुत बहुत खुल के बात करूँगा आपके साथ. Most stylish crossover actor, I think. I don't know. हर दिन change होता है मेरा perception, but I have my own style and I really believe in comfort and I love monotones and I love simple stuff. So I do have my own style which I really like. But when you see me outside, it's my stylist normally. And so I thank you, Sabina. She dressed me today. I'm wearing Debbie and I love this outfit. Yes, we just unveiled the trailer of Bombaria here, which is a film that I shot last year, but it's releasing this year. And I'm also shooting for Padman with Akshay and Balki sir, which will start next month. Padman, it's out. अरे यार तुम मिक्स मत करो दो तीन चीजें. आज यहाँ लोकमत के लिए, आज लोकमत के लिए. I find Deepika very stylish. I find Sonam very stylish. Kangana very stylish. Very very stylish. Priyanka. I also like Ranveer. I love Shah Rukh always. I think he's simple, classic. It's great. And Ranveer is really really good. So yeah. नमस्कार नमस्कार.
For me, style is comfort. Yeah. For me, style is absolutely comfort. For me, style is my smile. For me, style is just being at ease with what you do and how you are and what you wear. I'm extremely honored and privileged to be a part of this evening because मुझे लगता है कि मैं बहुत stylish हूँ नहीं. I am this regular boy next door, and I'm extremely honored and privileged that I'll be, you know, rubbing shoulders with some of the most stylish people, both men and women, in the country. A lot of them, I think. Shah Rukh sir is great. Salman sir has his own style. Sonam Kapoor, of course, is the icon as far as females are concerned. But for me, style all-time favorite is Mr. Bachchan. I think it just never goes out of style. My new film releases on the 10th of February. It's called Fuge. Marathi picture hai. 10 February la release hoto hai Fuge. Don mitranchi gosht hai. And it has its own share of style quotient too. That's like swag hai film sa. And I'm sure a lot of you are going to go and enjoy the film. So 10th of February, Fuge. Thank you guys. Thank you very much. मैं बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हूँ सर. आई थिंक फॉर मी स्टाइल एक स्टेट ऑफ माइंड है. एक स्टाइल आई थिंक इज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिटी सर मेरे हिसाब से. किसको? बिल्कुल आई थिंक वेरी वेल डिजर्व. बहुत ही स्टाइलिश आदमी है और आई थिंक वो ही स्टाइलिश इन एनीथिंग ही डज, यू नो, चाहे वो डांस हो या कोई कुछ भी. वे वॉक्स नहीं अभी तक नहीं. फिलहाल मेरी शूटिंग चल रही है तो मुझे मौका नहीं मिला टू वॉच द फिल्म. बहुत बढ़िया. आई थिंक वी फिनिश्ड अबाउट 60% 70% ऑफ द फिल्म. तो 20 दिन बाकी है सर शूटिंग की. बहुत ही प्यारी स्टोरी है. एक्शन मिलेगा आपको. डांस काफ़ी है इसमें. और या इट्स एंटरटेनमेंट एंटरटेनिंग फिल्म फॉर द होल फैमिली. या I think all the Khans are very very different from one another. They have their own unique charm. Yeah, there's not much I can say. As for Aamir Khan, he just keeps raising the standard with every film. So you know, for an artist like me or a newcomer like me, so we can only look up to that and dream about, you know, when will, you know, that be us someday. You know, there's so much to learn and earn from that man. He's like an encyclopedia of acting. So very, very honored to be a part of the same industry as him. I'm sorry, I can't hear you. Ji. Remake karne wale? Mere papa. Ram Bachchan ka remake ki baat. Acha. Mujhe koi idea nahi uske bare mein. Acha, tell me, kim kim actor ko aapka stylish maanta hai? Hrithik Roshan, definitely. सलमान सर और सबका बाप मेरा बाप. फीमेल्स आई गेस सोनम कपूर काफ़ी स्टाइलिश है. मैं जैकी चैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और पिछले हफ्ते मुझे एक मौका मिला उनसे उनसे मिला भी. तो यू नो आई विश द होल टीम ऑल द बेस्ट. थैंक यू.